सबसे पहले ये सब चैनल देखे वाला तमाम दर्शक गण के हम गुंजन सिंह पैचू के प्रणाम करतनि गोर लगातनि। अश्लीलता हटाने की जो बात हो रही है, जो मूल जड़ है उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। जब तक सेंसर बोर्ड नहीं लगेगा तब तक अश्लीलता कभी जीवन में नहीं हट सकता है। जैसे फिल्मों में सेंसर बोर्ड लगा हुआ है, कोई भी गाना, कोई भी उसमें अगर कुछ शब्द भी ऐसा रहता है तो उसको काट के हटा दिया जाता है, कोई सीन वैसा रहता है तो काट के हटा दिया जाता है। तो वैसे आजकल फिल्म भी बन रहा है, बढ़िया बढ़िया पारिवारिक फिल्म बन रहा है, प्रोड्यूसर वैसे फिल्म बना ही नहीं रहे क्योंकि सैटेलाइट पे चलेगा ही नहीं। तो इसी प्रकार से अगर भोजपुरी गानों में सेंसर बोर्ड बन जाए, बिना सेंसर बोर्ड पे जांच हुए कोई गाना रिलीज ही यूट्यूब पर ना हो, अपने आप अश्लीलता खत्म हो जाएगी, किसी को कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं। तो सबसे पहला जो काम है ये है सेंसर बोर्ड लाना, उस पर सरकार से मांग करना। हर एक पब्लिक अपना फेसबुक पे पोस्ट करे, अपना इंस्टाग्राम पे पोस्ट करे, धरना प्रदर्शन हो, इतना चीज के लिए मांग हो रहा है, ये चाहिए वो चाहिए, और सेंसर बोर्ड के लिए कोई मांग ही नहीं है। सेंसर बोर्ड के लिए आज तक कोई मांग ही नहीं किया कि सेंसर बोर्ड भी चाहिए। अश्लीलता हटाने का दूसरा प्रयास चल रहा है, ये करो वो करो, कल उसको गाली परसों उसको गाली, कोई भी किसी को गाली दे रहा। हम भी बहुत सारा गाली सुने हैं भाई, इतना गाली सुने हैं कि 2-4-5 किलो गाली सुने हैं और रोज सुनते हैं, कुछ ना कुछ सुनना ही पड़ता है। अब मान ली कुछ कलाकार गंदा तो गाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि नहीं गाते हैं, उसके चलते बहुत सारे लोग उसमें पिसा जाते हैं। तो ये सेंसर बोर्ड बन जाए, अश्लीलता खत्म हो जाए। अभी ना हम सवाल दूसरा ही करना चाहेंगे, जिस तरह से भोजपुरी के दो सुपरस्टारों ने सीएम नीतीश कुमार और बिहार पुलिस को टैग किया कि भोजपुरी बिल्कुल बदलनी चाहिए, काफी अश्लील हो गई है, अभी भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, इन सब चीजों को कैसे देखते भैया कि क्या भोजपुरी अब बिल्कुल जो डिमांड कर रहे हैं दो सुपरस्टार, उस मुहिम में आप भी शामिल हैं और बिल्कुल भोजपुरी से अश्लीलता खत्म होनी चाहिए? एकदम भोजपुरी से अश्लीलता खत्म होनी चाहिए और हम उसके साथ हैं। ये अश्लील गाना बंद हो जाए कितनी खुशी की बात है, हम लोग को कौन शौक है, हम तो गाते भी नहीं ऐसे अश्लील। अगर कुछ गाए होंगे, ऐसा नहीं कोई कलाकार कहेगा कि हम अश्लील नहीं गाए, चाहे कोई भी हो सब लोग गाए हैं कुछ ना कुछ। हाँ हम भी गाए हैं, हम बोल रहे हैं भाई गाए, उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन उसको इस तरीका जो है, तरीका है खत्म करने का, ये तरीके से जीवन में खत्म नहीं होगा अश्लीलता। कि कोई जितने यूट्यूबर लोग हैं जो भी ये मुहिम चला रहे हैं, उनके भी इस अंदाज से, जैसे लोग कहते हैं ना, वो लोग का कहना है कि हम एक को नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग को बोल रहे हैं कि गंदा गाना है, माई बहन के लोग के सामने कैसे सुन सकते हैं। कहना जायज है जी, कि गंदा गाना कुछ आ रहा है ऐसा मार्केट में, डीजे में ऐसा बज रहा है, उसको सच में नहीं सुना जा सकता है माँ बहन लोगों के साथ में। तो आप जो गाली दे रहे हैं किसी कलाकार को, हमको दें या बड़े भैया पवन सिंह जी को दें, खेसारी लाल यादव जी को दें, या किसी भी एनीबडी कलाकार को दें, तो वो जो गाली आप दे रहे हैं वो आपकी माँ बहन क्या सुन सकती हैं? आप वो भी तो सुनते हो, यूट्यूब सब कोई देखता है, हर माँ बहन बेटी देखता है, देखती हैं, देखते हैं लोग कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यूट्यूब पे। तब जब खुलता होगा, लोग खोलते हैं तो गरिया तो भी सुन रहे हैं, तो कहाँ खत्म हुआ, बतिया देख के हो गया, इधर से गाना गंदा गया तो उधर से गाली गंदा आया, सब तो जगह तो गंदगी फैल रहा है। इस तरीके से अश्लीलता जीवन में खत्म नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब ऐसा कोई डाला नहीं कि अश्लील गाना है तो अगर हम रिलीजे नहीं करेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये अश्लीलता का एक ही है हटाने का, जिससे हट सकता है वो है सेंसर बोर्ड। सरकार हर गाने को देखे, कमेटी बैठाए, जांच करे कि गाना जाने लायक है मार्केट में कि नहीं।
फिर सरकार दोषी होगा अगर कुछ ऐसा गाना रिलीज होता है तो। और मुझे विश्वास है सरकार पे कि वो जब भी सेंसर बोर्ड लगाएंगे तो ऐसा गाना रिलीज होने ही नहीं देंगे। ये कई वर्षों से सेंसर बोर्ड का मांग किया जा रहा है कुछ कलाकारों के द्वारा और ऑडियंस के द्वारा, तो कई वर्षों से ये मामला चला है सेंसर बोर्ड का, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया, सरकार सुन नहीं पा रही है, क्या कहना चाहेंगे? तो दोनों कलाकार भी हैं, गायक भी हैं, एकदम आपका सवाल सही है। हमारे बड़े भैया मनोज तिवारी भैया, रवि किशन भैया, ये लोग अच्छे लेवल पे हैं और सरकार भी है, चाहेंगे तो जरूर हो सकता है और होना भी चाहिए। अगर उन लोग इस लेवल पर हैं तो करना चाहिए। हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो ये आवाज़ वहाँ तक पहुँच रहा है ऐसा कि नहीं पहुँच रहा है? तो मेरा मनोज तिवारी भैया और रवि किशन भैया दोनों से आग्रह कि आप लोग वहाँ बैठ रहे हैं तो सेंसर बोर्ड लाने का काम करें। सब लोग का आवाज़ उठ रहा है, पूरे बिहार यूपी का जितना आबादी है, झारखंड भी सुनता है और जहाँ जहाँ बसे हैं पूरे देश विदेश में, भोजपुरी के बिना कुछ है कहाँ? हर जगह बिना भोजपुरी बजले कोई ब्याह हो सकता है क्या? होगा ही नहीं, लगन चल रहा है, देखिए रहे हैं। तो इस पे सबसे और सभी कलाकार इसमें एकजुट होकर अश्लीलता को अगर भगाना है, हटाना है तो सेंसर बोर्ड का मांग करें। और जो यूट्यूबर ऐसा कर रहे हैं, इस पे गाली गलौज किसी को भी दे रहे हैं, चाहे हमी को दे रहे हैं या किसी को भी दे रहे हैं, एनीबॉडी, कोई कलाकार, हम अपने पे सिर्फ नहीं लेते। जी जी बिल्कुल। तो उनको धरना प्रदर्शन करना चाहिए, नीतीश कुमार के आवास के पास जाके आप मांग करिए। आज तक ऐसा मांग करते हुए देखे आप, अश्लीलता हटाना है, हम अगर यादें कभी इनको कभी उनको, चाहे वो हमको अगर याद, इससे क्या होगा? जीवन में अश्लीलता नहीं खत्म होगा, वो गाना से अश्लीलता आवाता है, यानी तो हर गाली जाता, माई बहन सबके घर याद से बड़ा सा। लेकिन एक बात बताइए, अगर अश्लील गान को और हर एक सिंगर को जो एक पारिवारिक गीत गाया गया है, बेटी के लिए गाया गया है, दहेज प्रथा पे गाया गया है, अगर अश्लील गानों के प्रति अगर उन दोनों को कंपेयर किया जाए तो उसका व्यूज कहीं ज्यादा, उसका दोगुना दस गुना कह सकते हैं, उस गाने को व्यूज 100 मिलियन 200 मिलियन प्लस होते हैं जो अश्लील गाने होते हैं। तो इसमें दोषी कौन कितना प्रतिशत है, लिखने वाला राइटर, गाने वाला सिंगर या सुनने वाली पब्लिक जो उसको 200 मिलियन व्यूज देती है? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। इसमें मैं अभी एक गाना गाया हूँ दहेज पे, दहेजो लेलस बेटी के जनवा, चाहे जयबू डोली से मार ले गोली से, सैड सॉन्ग भी मेरा बहुत सारा आते रहता है, मभी भोजपुरी से। तो वाकई में आज कोई इतना दिनों में इतने लोग बनाते हैं न्यूज, ये हो गया, हाउ हो गया, फलानवा डिमका जो भी करते हैं, इसके बारे में क्यों नहीं बोले कि गुंजन सिंह ने एक बहुत अच्छा गाना गाया दहेज प्रथा पे, कोई नहीं बोला आके। तो और व्यू बहुत ज्यादा जाता है तो बहुत सारे कलाकार हैं, सब लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा गाना गाए जिससे कि व्यू ज्यादा है, तो थोड़ा बहुत उसी में अश्लील भी हो जाला। और इसमें प्रोड्यूसर जो हैं, जो कंपनी वाले हैं, वो भी वैसा ही गाना खरीदेंगे ना जिसपे व्यू आए, जिसपे व्यू नहीं आएगा तो कलाकार का भी बदनामी है। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है जो राइटर लिखता है उससे भी सिंगर कंपनी सब जुड़ा हुआ है, तार जुड़ा हुआ है, और दर्शक लोग के पास जो जा रहा है गाना, तो मैं क्या कहूँ इसमें, अब वहाँ अगर प्रेजेंट ही ना हो गाना, यूट्यूब पे आएगा ही नहीं तो दर्शक लोग सुनेगा कैसे? हम जो देंगे वही वो लोग सुनेंगे, तो बस सेंसर बोर्ड पे ही अटका हुआ है। आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन बस सेंसर बोर्ड बन जाए, एक भी अश्लील गाना नहीं आएगा, देखिएगा कैसा कैसा गाना आता है और सब लोग मस्त रहेंगे। एक सवाल और करना चाहेंगे, बड़ा कड़वा सवाल है, भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं सब ने अपनी जाति और कास्ट को लेकर गाने गाए हैं, कोई अहिर को लेकर गाना गाता है, कोई बाबुआन को लेकर गाना गाता है, तो क्या हम मान सकते हैं कि यहाँ से बिल्कुल बदलाव होगी और आगे से जितने भी गाने आएंगे कलाकारों के वह जातिवाद नहीं होंगे? हाँ, गाना मेरा भी, हम भी ऐसा नहीं गाए थे, एक आध गाना हम भी गाए थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि लगातार एक ही चीज़ पे मैं गाता रहा, कभी ऐसा मेरा कभी नहीं रहा। ऐसा तो हम शुरू में ही कह दिए कि हम ऐसा नहीं कि हम हमसे कुछ गलती नहीं हुआ होगा, मेरे से भी गलती हुआ होगा, उसके लिए तो हम क्षमा मांग ही रहे हैं।
दर्शक हमारे भगवान है, हमेशा वही उन्हीं के चलते आज हम हैं। चाहे मेरे पास कुछ भी है, सब उन्हीं का दिया हुआ है। जातिवाद पे गाना तो बनना ही नहीं चाहिए। ये गाना गीत संगीत में जात कहाँ से आ गया? हमारे फैंस सभी लोग हैं, मुझे सभी लोग सुनते हैं, मुझे सभी लोग पसंद करते हैं, चाहे कोई जाति के लोग हो। ये देख के थोड़ी सुनते हैं कि यही है, ही जाति के लोग हैं तो खाली वह सुनते हैं। तब तो फिर 130 मिलियन 150 मिलियन 200 500 मिलियन कहाँ से हो गया, जबकि हमारा आबादी ही बिल्कुल अभी उतना नहीं है। 40 करोड़ के लगभग बिहार की जो एक जनसंख्या है भोजपुरी को, अरे पूरा देश भी सुन लिया तब भी तो ज्यादा हो गया ना, 200 मिलियन 150 मिलियन। जी तो एक एक आदमी तीन तीन चार चार बार सुना और हर जाति के लोग सुना, तब ये 100 मिलियन 200 मिलियन 400 मिलियन हुआ। तो जात पात पे गाना तो उस पे भी रोको, अगर सेंसर बोर्ड लगेगा। अभी जो चल रही है बातें, पवन भैया भी लिखे जी फेसबुक पे, मतलब खेसारी भाई कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं, तो उस पे भी रोक लग जाएगा, वो भी गाना नहीं आएगा। जात पात पे गाना आना नहीं चाहिए। हम सब भाई भाई हैं, खून एक है, दो ही जाति है, स्त्री और पुरुष। इसमें कहाँ से आ गया कि ये वो आज की बात चले तो बिहार सरकार के जो कला संस्कृति मंत्री हैं, उन्होंने भी भोजपुरी के अश्लील गानों को लेकर एक कड़ा जो रोष है वो जताया है। साथ ही कल जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी कहा कि भोजपुरी में ऐसे गानों को बैन करना चाहिए। तो क्या बिल्कुल इस प्रकार की जो चीजें हैं वो कदम उठी है, वो सही है, और भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं अब शपथ लेंगे कि हम वो अश्लील नहीं गाएंगे, क्योंकि बिहार की जो गवर्नमेंट है वो अभी कड़ी कानून लाने वाली है। देखिए हम तो बोल सकते हैं कि हम नहीं गाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि मानने वाले नहीं हैं अभी भी, उसको कौन रोकेगा? और उसके देखा देखी सबको गाना पड़ता है, ये भी बहुत बड़ा बात मैं बोल रहा हूँ। मान लिए कि हम लोग कुछ कलाकार नहीं गा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि वही सिर्फ गा ही रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। आपको सब लोग सुनता है, आप ऐसा बनिए कि आपको आप सबके दिल में रहे। कलाकार क्या होता है? ये कलाकार जहाँ मतलब भगवान का एक रूप होता है, हर कोई गाना क्यों नहीं गा लेता है? एक बन के आता है, लाखों में एक कलाकार बनता है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख के हमने के प्रोग्राम में भीड़ होला, तो वो सब सोच लिए इतने बेचारे बैठे रहते हैं शाम से आके कि आज प्रोग्राम है, सुनना है गाना। तो आप उनसे कुछ हट के हैं, बनाने वाले वही हैं। इसलिए जात पात पे भी गाना रुक जाए तभी भोजपुरी का विकास हो सकता है। ये विवाद कलाकारों में भी काफी ज्यादा टिप्पणी की जाती है, इसके लोग ज्यादा रिएक्शन देते हैं। इस कलाकारों का जो विवाद होता है इस पे क्या कहना चाहेंगे लोग? ऐसा नहीं लगता है कि भोजपुरी में एक कलाकार एक नहीं है? आपका सवाल सही है, ये क्या हो गया है ना, वही बात हो गई। जात पात के जो गाना आवता ना ओकरे से सब कुछ गड़बड़ होता। अगर हम लोग एक होकर काम करें, भोजपुरी का हम लोग विकास जिस प्रकार से चाह रहे हैं हो कहाँ रहा है? लोग अभी हम लोग को काम क्या करना चाहिए, काम क्या करें, बात कर रहे हैं कि इस पे हम लोग अपना प्रोजेक्ट पे बात करते। अब हर 5 दिन 7 दिन पर एक ऐसा मुद्दा आ जाएगा कि पब्लिक सब डिस्टर्ब, वो गाना कहाँ सुन रहा है, तो न्यूज खाली देख रहा है, का कौन बोला तो ये तो ऐसा हो गया है, गाना जो आ रहा है उसमें गाना का भी मर्डर हो जा रहा है, अच्छा गाना भी दब जा रहा है, व्यू कम हो जा रहा है, चाहे किसी का हो, मेरा हो या किसी भी कलाकार, सब पे प्रभाव पड़ता है। विवाद का जड़ कौन है जरा बताना चाहिए, क्योंकि जब तक जड़ नहीं पकाएगा तो विवाद आए दिन होता रहेगा। विवाद का जड़ अश्लीलता है। विवाद का जड़ किसको कह सकते हैं आप? विवाद, अरे आदमी जो है सब आत्मनिर्भर है, कुछ भी कोई बोल सकता है, इस पे कोई रोक नहीं है अपना देश में। तो हम लोग को अपना काम बढ़िया करना है और विवाद को ख़त्म करना है, अश्लीलता को दूर करना है। बस सेंसर बोर्ड को लाइए और गाना देखिए, धकाधक रिलीज होगा, भले 3 दिन बाद रिलीज होगा, लेकिन ऐसा रिलीज होगा छाट के कि मजा आ जाएगा। हम लोग तो बहुत खुश है, भगवान कहिए सेंसर बोर्ड आ जाए। जरूर कुछ और पूछे रहता रहेगा।
सेंसर बोर्ड से तो अश्लीलता दूर हो जाएगी, हाँ। लेकिन विवाद आए दिन भोजपुरी इंडस्ट्री में ट्रेंड करता है, आए दिन कोई भी कलाकार अलग अलग कलाकारों पर टिप्पणी कर देते हैं, इसमें विवाद हो जाता है, उन पे क्या कहना चाहिए? हाँ, ये भी बात सही है। और फैंस सब इधर से उधर हो जाते हैं, फैंस सबको भी, वो तो भोला भाला है सब, कुछ पता नहीं वो लोग, आ जिसको चाहता है कि अरे हमारी मतलब ये इनके हम फैन हैं, वो नाराज हो जाते हैं कि उसको वो कलाकार ऐसे बोल दिया तो उसके फैन नाराज हो गए, उसके फैन जब नाराज हो गए तो फिर दूसरा फैन में हो गया, फिर एक्शन। लेकिन फैन सबसे हम कहना चाहते हैं, आप लोग सबका गाना सुनिए, जिसका अच्छा लगे गाना जरूर सुनिए, क्योंकि हर कलाकार आपसे है। लेकिन कलाकार टिप्पणी करना कब छोड़ेंगे? टिप्पणी करना छोड़ देंगे बहुत जल्द, सरकार इस तरह से अब नियम बनाने वाली है। देखा सरकार कहल जाला कि पुलिस जब आवेला तो बढ़िया बढ़िया के हालत खराब हो जाला, प्रशासन बना किस लिए है? आदमी कितना सिविल ड्रेस में घूम जाए, दो वर्दी वाला भी आ जाए ना तो तुरंत सोचे खोलो ऐसे ठक ठक आओ तो आप पांच आदमी नहीं हो खोली, वहीं से पुलिस आ गई, देखा तुरंत खोली पड़ी के बारे। प्रशासन कुछ भी कर सकता है। ये गाना भी हमारा इल्बा कि जब जेबू तू डोलिया से हम हो मार ले हम गोलिया से कि तोह से कहना पाइब हम हो रहना पाइब ऐसे बोला ना बोलिया से अजब जेबू तू डोलिया से हम हो मार ले हम गोलिया से। ये गाना हमारा छोट भाई गौतम राय काला नाग लिखा है, उसका नाम भी काला नाग और म्यूजिक आर्या शर्मा का है। बहुत अच्छा प्यार आशीर्वाद सबों का मिल रहा है। मेरे से कोई गलती चलती अगर हुई होगी, मेरे भाषा में कोई त्रुटि होगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ आप सबों से। मेरे दिल में कुछ ऐसा नहीं है, मैं जो हूँ जो अंदर हूँ वो बाहर हूँ, कुछ छुपा के नहीं रखा हूँ। बाकी सब आप लोग समझदार हैं, आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिए। जय माता दी। थैंक यू।